बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, चैप्टर नंबर 6 का। 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का वैसे लास्ट लेक्चर है। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं इसे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज। सॉरी, क्यूरीज के मतलब हम इसकी मुख्तलिफ टाइप्स के मतलब पढ़ेंगे। क्यूरीज के मतलब हम तफसीली पहले पीछे भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज। दी सिलेक्ट क्यूरी, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम टेबल बेस ऑन स्पेसिफाइड वैल्यूज। दी फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी डिस्प्ले कार्ड विद डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर वन आर मोर ऑफ द स्पेसिफाइड फील्ड्स। दी फाइंड अनमैच क्यूरी डिस्प्ले कार्ड फ्रॉम वन टेबल दैट डू नॉट हैव कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन अ सेकंड टेबल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी के सिलेक्ट क्यूरीज के मतलब। सिलेक्ट क्यूरीज क्या है? सिलेक्ट क्यूरीज इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। सिलेक्ट क्यूरीज जो है वो यूज होती है इस चीज के लिए कि हमने टेबल से कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया को यूज करते हुए डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्यूरी। एक बहुत कॉमन है क्यूरी की टाइप। इट मे रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन आर मोर टेबल्स। इसके जरिए से हम एक या एक से ज्यादा टेबल से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इट डिस्प्ले द रिजल्ट एंड डाटा शीट वेयर द रिकॉर्ड्स कैन बी अपडेट। ये डिस्प्ले करती है रिजल्ट को डाटा शीट के वो जहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो रहे होते हैं। द सिलेक्ट क्यूरी कैन बी यूज टू ग्रुप रिकॉर्ड्स एंड कैलकुलेट सम्स काउंट्स एवरेज एंड अदर टाइप्स ऑफ टोटल्स। नंबर टू पे है एक्शन क्यूरी। एन एक्शन क्यूरी इज यूज टू मेक चेंजेस इन स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ऑन एन एग्जिस्टिंग टेबल। इट इज आल्सो यूज टू क्रिएट द न्यू टेबल। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एक्शन क्यूरीज। एक्शन क्यूरीज के आगे जो फोर टाइप्स हैं उनमें से एक है डिलीट क्यूरी, दूसरी है अपडेट क्यूरी और तीसरी है अपेंड क्यूरी। तो इट इज यूज टू डिलीट अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम वन आर मोर टेबल। ये जो डिलीट क्यूरी है ये इस चीज के लिए इस्तेमाल होती है कि आप डिलीट कर रहे हैं किसी भी ग्रुप को एक या एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर से। अपडेट क्यूरी इसलिए यूज होती है कि आप चेंज कर रहे हैं रिकॉर्ड को एक या एक से ज्यादा टेबल के अंदर। और अपेंड क्यूरी इट इज यूज टू एड अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन आर मोर टेबल टू बी एंड ऑफ वन आर मोर। और उसके बाद फोर्थ पे है मेक टेबल क्यूरी। इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल एंड कॉपी सिलेक्टेड कार्ड इन इट। ये जो है वो नया टेबल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब थर्ड पे है क्रॉस टेबल क्यूरी। The cross table query is used to calculate and restructure data for easier analysis. It calculates a sum, average, count or other types of computation of data. The queries are grouped by two types of information. One is down the left side of data sheet and other is the cross of the top of the data sheet. एक जो है वो data sheet के लेफ्ट साइड के डोन पे और दूसरी डाटा शीट के टॉप पे होगी। फोर्थ पे है पैरामीट्रिक क्यूरी। पैरामीट्रिक क्यूरी डिस्प्ले या डायलॉग बॉक्स। ए पैरामीट्रिक क्यूरी डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करती है। व्हेन इट इज एग्जीक्यूट इट गेट्स सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर एज पैरामीटर। दीज क्यूरीज आर used to base for creating from a reports. आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है explain the procedure for creating simple query. तो उसका प्रोसीजर हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे ओपन द डेटाबेस। डेटाबेस को ओपन करें एंड क्लिक ऑन क्यूरी।
और क्वेरीज पे बटन पे क्लिक करें मेन डेटाबेस विंडो जो कि मेन डेटाबेस विंडो के अंदर है। डबल क्लिक क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू और डबल क्लिक करें डिजाइन व्यू क्रिएट क्वेरी जो कि डिजाइन व्यू के अंदर है। सिलेक्ट क्वेरी विंडो विल अपीयर जो सिलेक्ट उस क्वेरी विंडो को सिलेक्ट करें जो कि अपीयर होगी। इट विल कंटेन अनदर डायलॉग बॉक्स शो टेबल एज फॉलोज, जिस तरह की ये टेबल आपके पास शो हुआ पेज 119 पे। सिलेक्ट द टेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग डाटा, टेबल को सिलेक्ट करें डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्लिक ऐड बटन, ऐड बटन पे क्लिक करें। क्लिक क्लोज बटन और क्लोज बटन पे क्लिक करें। दी सिलेक्ट क्यूरी विंडो विल अपीयर, और जो सिलेक्ट क्यूरी विंडो है वो अपीयर हो जाएगी। इट कंटेन दी सिलेक्टेड टेबल इन द अपर पार्ट, द बॉटम पार्ट कंटेन डिफरेंट ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग क्यूरी। ए सिक्स पेज के जी सिलेक्ट एनी फील्ड फ्रॉम फील्ड लिस्ट बॉक्स टू इंक्लूड इट इन द क्यूरी इन द बॉटम ऑफ द ओ विंडो। एड ऑल अदर फील्ड आर टू बी इंक्लूडेड इन क्यूरी। सिलेक्ट द सॉर्टिंग ऑर्डर फ्रॉम सॉर्ट लिस्ट, और सॉर्टिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करें सॉर्ट करने के लिए। गिव एनी कंडीशन इन क्राइटेरिया फील्ड इफ रिक्वायर्ड। क्लिक ऑन सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक करें और टूल बार टू सेव दी क्वेरी को सेव कर लें। और सिलेक्ट फाइल सेव दी सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। टाइप द नेम ऑफ क्यूरी, क्यूरी का नाम टाइप करें। क्लिक ओके करें। दी क्यूरी विल बी सेव, क्यूरी सेव हो जाएगी। सिलेक्ट रन फ्रॉम क्यूरी मेन्यू टू एग्जीक्यूट दी क्यूरी एंड व्यू द रिजल्ट, रिजल्ट को देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग अ सेव क्यूरी, के सेव क्यूरी को एग्जीक्यूटिंग का क्या प्रोसीजर है। उसमें सबसे पहले आप करेंगे ओपन द डेटाबेस दैट कंटेन्स द सेव क्यूरी, उस डेटाबेस को ओपन करेंगे जिसके पास सेव क्यूरी पड़ी हुई है। क्लिक क्यूरीज बटन इन द ऑब्जेक्ट लिस्ट, क्यूरी बटन को ऑब्जेक्ट लिस्ट से क्लिक करें। दी नेम ऑफ ऑल सेव क्यूरीज विल अपीयर, और जितनी भी सेव क्यूरीज होंगी उनके नाम अपीयर हो जाएंगे। डबल क्लिक एनी क्यूरी नेम, और डबल क्लिक करने किसी भी क्यूरी के नाम पे, इट विल बी एग्जीक्यूट एंड द रिजल्ट ऑफ द क्यूरी विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, और क्यूरी का जो रिजल्ट है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन क्राइटेरिया इन अ क्यूरी हो इट इज स्पेसिफाइड। अ कंडीशन यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटाबेस इज कॉल्ड क्राइटेरिया। इफ अ क्यूरी कंटेन एनी क्राइटेरिया इट रिट्रीव्स ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट मच बी द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मे बी स्पेसिफाइड टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड ऑफ ओनली दो स्टूडेंट्स हु कोड मोर देन 700 मार्क्स। सिमिलरली क्राइटेरिया कैन बी यूज इन अ क्यूरी इफ द यूजर वांट्स टू व्यू ओनली दो स्टूडेंट्स हु लिव इन फैसलाबाद। स्पेसिफाइंग क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आर स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड आर स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस। वाइल्ड कार्ड्स कब तक आप डिस्कस करते हैं कि ये इसमें वाइल्ड कार्ड्स ऑपरेटर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन मार्क स्ट्रीट द क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड टेक्स द प्लेस ऑफ अ सिंगल लेटर। 43rd स्टेरिक विल कार्ड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स लेस देन वैल्यू लेस देन 100 वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू द 1 नो इक्वल टू ऑल स्टेट्स बिसाइड फ्लोरिडा बिटवीन 1 and 10 नंबर्स बिटवीन 1 and 10 अगेन इज नल फाइंड कार्ड विद नो वैल्यू इज नॉट नल आर आर कार्ड दैट हैव वैल्यू लाइक ए आल वर्ड्स बिगनिंग विद ए और आल नंबर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10 वैल्यूज आर बो आर
जेनी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ज्वाइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप एंड ज्वाइन। A query that extracts data from multiple related tables is called join. अगर एक query data को extract करती है multiple related tables के अंदर से उसे join कहते हैं। A join use the relationship of the tables for extracting data from the tables. A join searches the required record in the first table and then searches the corresponding record in the second table. ज्वाइन है जो सर्च करता है रिक्वायर्ड रिकॉर्ड को इन द फर्स्ट टेबल एंड सर्च करता है क्रॉसकोडिंग रिकॉर्ड्स को सेकंड टेबल के अंदर भी। डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप एंड ज्वाइन, रिलेशनशिप इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। जो रिलेशनशिप है एक लॉजिकल कनेक्शन है दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर। अ रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन अमंग दीज एंटिटीज। A join is a query that extracts data from multiple related tables. और जो join है ये query है जो कि data को search कर extract करती है multiple tables के अंदर से। A join use relationship of the table for extracting data from the table. और join जो है वो tables के relationship को use करते हुए data को extract करती है tables के अंदर से। आगे आगे जी एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो उस प्रोसीजर को बताएं जिसके जरिए डाटा को एक्सट्रैक्ट किया डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मल्टीपल टेबल्स के अंदर से। तो सबसे पहले ओपन द डेटाबेस, डेटाबेस को ओपन करें, क्लिक ऑन क्यूरी बटन इन मेन डेटाबेस विंडो और क्यूरी बटन पे क्लिक करें जो कि मेन डेटाबेस विंडो में है। डबल क्लिक क्रिएट क्यूरी इन डिजाइन व्यू सेलेक्ट क्यूरी विंडो विल अपीयर, इट विल कंटेन अनदर डायलॉग बॉक्स शो टेबल एज फॉलोज। फॉर सेलेक्ट द फर्स्ट टेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग डेटा एंड क्लिक एड बटन। सेलेक्ट द सेकंड टेबल एंड क्लिक एड बटन। सेलेक्ट क्लोज बटन। द Selected query window will appear. It contains the selected table in the upper part. The bottom part contains different options of creating query. In the bottom part of the window, select any field from field list box to include it in the query. Field list box will contain the field both tables. अच्छा ये जो है ना ये प्रोसीजर्स हैं ज्यादा इसमें चैप्टर नंबर 6 के अंदर के टेबल बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है, ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ये काम करने के लिए तो उसके स्टेप हैं। तो वो मैं आपको बताई जा रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप हैं। ऐड ऑल अदर फील्ड्स दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द क्वेरी। 9 पे आप करेंगे कि सिलेक्ट द सॉर्टिंग ऑर्डर फ्रॉम सॉर्ट लिस्ट बॉक्स। और 10 पे आप करेंगे कि एनी कंडीशन इन क्राइटेरिया फील्ड इफ रिक्वायर्ड। और 11 पे टू सेव द क्वेरी क्लिक ऑन सेव बटन ऑन टूल बार जो कि टूल बार पे होगा, और सिलेक्ट सेव फ्रॉम फाइल मेन्यू। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, टाइप द नेम ऑफ क्वेरी, क्वेरी का नाम हम टाइप करेंगे, क्लिक ओके, द क्वेरी विल सेव। क्लिक ओके करेंगे क्वेरी जो है वो सेव हो जाएगी। सिलेक्ट रन फ्रॉम क्यूरी मेन्यू टू एग्जीक्यूट दी क्यूरी एंड व्यू द रिजल्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ क्यूरी विजर्ड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। द क्यूरी विज एमएसएल हेल्प्स द यूजर टू क्रिएट टू सिलेक्ट क्यूरी इजीली। इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्टेप्स टू क्रिएट क्यूरी। इसके जो स्टेप्स हैं वो ये हैं, ओपन द डेटाबेस एंड क्लिक क्यूरी फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, और क्यूरी को क्लिक करें ऑब्जेक्ट से, फ्रॉम क्लिक क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग यूजर आइकन। विजर्ड आइकन से क्यूरी को क्रिएट करें डेटाबेस विंडो टू स्टार्ट क्यूरी विजर्ड। और थर्ड पे है
select simple query wizard and click OK. The next window will appear. Fourth space, select the desired table from tables queries menu. Select the desired field in available fields and click button to move it to selected field, or click button to move all fields or selected field. Repeat this process to include any files from other tables if required. Click next, the next window will appear. Enter the name of the query and click finish. और उसके बाद आप क्यूरी का नाम लिखें और उसे फिनिश बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विद एन एग्जांपल। एक्सप्लेन फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी, ठीक है ना। तो define duplicate query used to filter out records in a single table that contains duplicate values in the field. अच्छा, ये duplicate query जो है इसलिए इस्तेमाल होती है कि एक ऐसा सिंगल टेबल जिसके अंदर duplicates value है, तो उनको find करने के लिए ये duplicate query इस्तेमाल होती है। Example की तरफ इसके आते हैं। सबसे पहले click new button ऑन क्यूरी डेटाबेस विंडो, सिलेक्ट फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजिट फ्रॉम न्यू क्यूरी विंडो एंड क्लिक ओके। सिलेक्ट द टेबल आर क्यूरी ऑन विच द फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विल बी अप्लाइड फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक नेक्स्ट। हाईलाइट द नेम इन अवेलेबल फील्ड्स लिस्ट एंड क्लिक द बटन टू सिलेक्ट द फील्ड्स दैट list or click to move all fields. Click next when all the fields have been selected. Select the fields that should appear in the new query along with the fields selected on the previous screen and click next. Name the new query and click finish. New query का नाम लिखे और उसे finish button पे click कर। अच्छा, इसके बाद ये जो पेज नंबर 124 के ऊपर हमारे जो दो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं ना, ये इधर व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं थी तो मैंने लिखे नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो ये छोटे छोटे क्वेश्चन में वैसे डिस्कस कर लेता हूँ। उनमें से पहला है राइट द प्रोसीजर टू डिलीट अ टेबल फ्रॉम क्यूरी, के वो प्रोसीजर लिखें जिसके जरिए से क्यूरी डिलीट की जा सकती है, ये टेबल को डिलीट किया जा सकता है फ्रॉम क्यूरी क्यूरी के अंदर से, तो वो प्रोसीजर हमने लिखना है। तो उसमें उसमें क्या प्रोसीजर है, फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू डिलीट अ टेबल, यूज टू डिलीट अ टेबल फ्रॉम क्यूरी, क्लिक द टेबल टाइटल बार एंड प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। यानी कि आप क्या करेंगे कि टेबल को टाइटल बार से क्लिक करेंगे और उसके बाद डिलीट की प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो वो टेबल डिलीट हो जाएगा। फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन इन अ क्यूरी एंड आल्सो स्पेसिफाई सम फंक्शंस। अ क्यूरी कैन बी यूज परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। द यूजर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन इन अ क्यूरी बाय यूजिंग predefined calculation in MS Excel. The user can also create a custom calculation according to the requirement. उसमें ये आ जाएगा जी के पहले है group by, it indicates the group to calculate, ये जो है ना group को calculate करने के लिए indicate करती है sum, ये it is used at different values, sum दारीबा ये पता चल रहा है कि ये different values को add करने के इस्तेमाल होगा, ये कैलकुलेट जो है वो एवरेज एवीजी एवरेज के लिए इस्तेमाल होगा, मीन मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा, काउंट जो है वो नंबर्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होगा, STDEV यू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द वैल्यू, VAID यूज कैलकुलेट द वेरियंस ऑफ द वैल्यू, फर्स्ट इट इज यूज फाइंड द फर्स्ट फाइंड वैल्यू,
लास्ट, ये यूज होगी लास्ट फाइनल वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन। इट इज यूज टू क्रिएट अ कैलकुलेट फील्ड थ्रू अ एक्सप्रेशन, और वेयर इट इज यूज टू इंडिकेट क्राइटेरिया फॉर अ फील्ड नॉट इंक्लूडेड इन अ क्यूरी। तो स्टूडेंट हमारा एक चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, और आप लोग ये याद रखें कि आपका सिलेबस खत्म होने में सिर्फ 2 चैप्टर रह गए, एक चैप्टर नंबर 7 और एक चैप्टर नंबर 14। इसके अलावा बाकी सारा सिलेबस आपका कवर हो चुका है, तो इसे पढ़ें और याद करें। जब आएंगे तो इंशाल्लाह फिर थ्रू और टेस्ट ही चलेंगे आपके। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।